नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश कुमार, मनोरोग एवं नशामुक्ति विशेषज्ञ। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की बीमारी। जब किसी मरीज में दो सप्ताह से अधिक मन का उदास रहना, काम करने की इच्छा नहीं करना, हमेशा थकान रहना, नींद की कमी या नींद ज़्यादा आना, भूख की कमी या भूख ज़्यादा लगना, किसी काम में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में कमी होना, अपने आप को बेकार महसूस करना, भविष्य के बारे में नकारात्मक विचार एवं कभी कभी सुसाइड के विचार आने लग जाते हैं, तो उसको हम डिप्रेशन कहेंगे। अभी NCERB की 2019 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1,39,413 लोगों ने सुसाइड किया है, जो कि 2018 के मुकाबले 4% ज़्यादा है। 15 से 29 साल के युवाओं में डेथ का सेकंड बड़ा कारण सुसाइड है, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी सड़क दुर्घटना के बाद दूसरा बड़ा कारण है। तो दोस्तों, जब आपके आसपास कोई मरीज, आपका दोस्त या परिजन अगर डिप्रेशन में आता है, तो उसको जल्दी से जल्दी मनोचिकित्सक की सलाह लें। मनोचिकित्सक उसकी CBT यानी साइकोथेरेपी और एंटी डिप्रेशेंट के द्वारा उसका इलाज किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।